हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रेफाइट इंडिया के बारे में। पहले इसकी बेसिक्स देख लेते हैं। फेस वैल्यू है 2 रुपये, डिलीवरी क्वांटिटी है 31% के आसपास, 31.96। अच्छा खासा मार्केट कैप है इस कंपनी का। पीई की अगर बात करूँ तो 2.69 पे है, जबकि इंडस्ट्री की पीई 8.87 है। तो इस कंपनी के ग्रोथ का अच्छा खासा स्कोप है यहाँ पे। कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करूँ तो 5 ही कंपनी है इस लिस्ट में, जिसमें ग्रेफाइट इंडिया सबसे ऊपर। अच्छा खासा सेल्स टर्नओवर एंड अच्छा खासा प्रॉफिट। प्राइस थोड़ा अंडरवैल्यूड लग रहा है, वो क्यों है आइए आगे जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लास्ट 5 क्वार्टर्स का रिज़ल्ट, प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी इजाफा। पिछले साल 340 करोड़ था दिसंबर क्वार्टर में, और इस साल है 609 करोड़। आने वाले क्वार्टर में अच्छा रिज़ल्ट देने की संभावना है इस कंपनी की, पर शेयर प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है। वो हम टेक्निकल्स में देखते हैं कि क्या है सपोर्ट लेवल्स और क्या है उसके रेजिस्टेंस, रिवर्सल आया है या नहीं आया है स्टॉक में, आइए जानते हैं। टेक्निकल्स पे अगर नज़र डालें तो 1000 रुपये के आसपास था ये शेयर, अभी नीचे आ चुका है 465 पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ था, पर 428 पे ये ऊपर की तरफ मूव किया है, एक पॉजिटिव मूव। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये अपना रेजिस्टेंस ऑफ 484 ब्रीच करता है डेली चार्ट्स पे या नहीं। अगर ये ब्रीच करता है तो अपवर्ड मूव और देखने को मिलेगी इस शेयर में। बात करूँ अगर MACD की, तो वो भी अभी तक पॉजिटिव है और इंडिकेट कर रहा है कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, अपने पुराने लेवल्स में भी ये आ सकता है। पर पहला रेजिस्टेंस जो है वो 484 पे है, जो इसे ब्रीच करना है, उसके बाद ही अपवर्ड मूव और देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। इस कंपनी के बैंगलोर के प्लांट पे लिटिगेशन चल रहा है, जिसके वजह से शेयर प्राइस इतना नीचे आया है, पर अभी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का, प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं, तो यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला है। तो इस शेयर में निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छे खासे रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।